एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फैंटासी स्पोर्ट्स में। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, डेट 10 नवंबर 2022, टाइम दोपहर के 1:30 बजे। मैच वेन्यू की बात करें तो एडिलेड ओवल एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो इस पिच की सतह मूल रूप से बल्लेबाजी करने के लिए एक अच्छा विकेट है, हालांकि तेज गेंदबाजों को पिच में कुछ शुरुआती समर्थन मिलता है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में मौसम साफ है। मैच के दिन तापमान 39% आर्द्रता और 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति के साथ 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। खेल के दौरान वर्षा की 20% संभावना है। फाइनल टीम के अपडेट आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। टॉस एंड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एडिलेड ओवल स्कोर रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल मैच 11 खेला गया है। बैटिंग फर्स्ट वाले 7 मैच जीते हैं, बॉलिंग फर्स्ट वाले 4 मैच जीते हैं। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 168 है, सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 139 है। हाईएस्ट टोटल 233 है 2 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल 117 है 10 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट चेज हुआ है 158 9 विकेट के नुकसान पर, जबकि लोएस्ट डिफेंडेड है 188 3 विकेट के नुकसान पर। इंडिया क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो इसका अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो डेविड मलान पिछले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की बात करें, कागजों पर दोनों टीमें लगभग बराबर है, 50-50 का मुकाबला होने की उम्मीद है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया 12 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड 10 मैच जीते हैं। इंडिया टीम की बात करें तो पहले विन, फिर लॉस, फिर डबल विन और आखिरी में एक लॉस। रोहित शर्मा टीम का कैप्टन है, जो 13 बॉल पर 15 रन की पारी खेले थे, 8 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 15 रन की पारी खेले, 39 बॉल पर 53 रन की पारी खेले थे और आखिरी में 7 बॉल पर 4 रन की पारी खेले थे। लोकेश राहुल 35 बॉल पर 51 रन की पारी खेले थे, 32 बॉल पर 50 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 9 रन की पारी खेले थे, 12 बॉल पर 9 रन की पारी खेले और आखिरी में 8 बॉल पर 4 रन की पारी खेले थे। विराट कोहली 25 बॉल पर 26 रन की पारी खेले थे, 44 बॉल पर 64 रन की पारी खेले, 11 बॉल पर 12 रन की पारी खेले थे, 44 बॉल पर 62 रन की पारी खेले थे और आखिरी में 53 बॉल पर 82 रन की पारी खेले थे। सूर्य कुमार यादव 25 बॉल पर 61 रन की पारी खेले, 16 बॉल पर 30 रन की पारी खेले, 40 बॉल पर 68 रन की पारी खेले, 25 बॉल पर 51 रन की पारी खेले थे और आखिरी में 10 बॉल पर 15 रन की पारी खेले थे। हार्दिक पांड्या 18 बॉल पर 18 रन की पारी खेले, 6 बॉल पर 5 रन की पारी खेले थे, 3 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आया था और आखिरी मैच में 37 बॉल पर 40 रन की पारी खेले थे। यह लगातार 2 मैच में 2-2 विकेट निकाले थे, अगला मैच में 1 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में यह 3 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। दिनेश कार्तिक विकेट कीपर है, जो 5 बॉल पर 7 रन की पारी खेले थे, 15 बॉल पर 6 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आया था, 2 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे और आखिरी में 14 बॉल पर 20 रन की पारी खेले थे। रविचंद्र अश्विन पहला मैच में बैटिंग का चांस नहीं था, अगला मैच में 6 बॉल पर 13 रन की पारी खेले, 11 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, फिर अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं था और आखिरी मैच में 1 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे। या पहला मैच में 3 विकेट निकाले, अगला मैच में विकेट लेस रहे थे, फिर 1 विकेट निकाले, फिर 2 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में या विकेट लेस रहे थे। अक्षर पटेल की बात करें तो 0 बॉल पर 0 रन की पारी खेले थे, 6 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं था, फिर 3 बॉल पर 2 रन की पारी खेले थे और आखिरी में 6 बॉल पर 6 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में 1 विकेट निकाले, अगला मैच में विकेट लेस रहे थे, फिर 2 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में या बॉलिंग नहीं किए थे। भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो पहला मैच में 1 विकेट निकाले थे, अगला 2 मैच में या विकेट लेस रहे थे, अगला मैच में 2 विकेट निकाले और आखिरी मैच में या 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। मोहम्मद शमी की बात करें तो पहला मैच में 2 विकेट निकाले थे और आखिरी 4 मैच में या 1-1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। अर्शदीप सिंह की बात करें तो पहला मैच में 1 विकेट निकाले, अगला 3 मैच में या 2-2 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में या 3 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। बैच प्लेयर की बात करें तो ऋषभ पंत है, दीपक हुड्डा है, हर्षल पटेल है और युजवेंद्र चहल है। इंग्लैंड टीम की बात करें तो पहले विन, फिर लॉस, फिर विन, फिर नो रिजल्ट और आखिरी में 1 विन। जॉस बटलर टीम का कैप्टन है, साथ ही विकेट कीपर भी है, जो 23 बॉल पर 28 रन की पारी खेले थे, 47 बॉल पर 73 रन की पारी खेले, 2 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 18 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। एलेक्स हेल्स की बात करें तो 30 बॉल पर 47 रन की पारी खेले, 40 बॉल पर 52 रन की पारी खेले थे, 5 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, 20 बॉल पर 19 रन की पारी खेले थे और आखिरी में 13 बॉल पर 9 रन की पारी खेले थे। फिलिप साल्ट की बात करती है, विकेट कीपर है, जो 3 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे, 12 बॉल पर 20 रन की पारी खेले, 41 बॉल पर 88 रन की पारी खेले, 6 बॉल पर 3 रन की पारी खेले थे और आखिरी में 4 बॉल पर 8 रन की पारी खेले थे।
बेन स्टॉक्स 36 बॉल पर 42 रन की पारी खेले थे, 7 बॉल पर 8 रन की पारी खेले, 8 बॉल पर 6 रन की पारी खेले थे, फिर 4 बॉल पर 2 रन की पारी खेले और आखिरी में 18 बॉल पर 36 रन की पारी खेले थे। यह अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जो लगातार 3 मैच में एक एक विकेट निकाले थे, अगला मैच में 2 विकेट निकाले और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। टीम लिविंगस्टोन की बात करें तो 6 बॉल पर 4 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 20 रन की पारी खेले, 2 बॉल पर 1 रन की पारी खेले, 21 बॉल पर 29 रन की पारी खेले थे और आखिरी में 16 बॉल पर 28 रन की पारी खेले। यह लगातार 2 मैच में विकेट लेस रहे थे, अगला मैच में 3 विकेट निकाले, फिर बॉलिंग नहीं किए थे और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। हरी ब्रुक्स की बात करें तो 6 बॉल पर 4 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, 21 बॉल पर 18 रन की पारी खेले थे, 6 बॉल पर 7 रन की पारी खेले और आखिरी में 24 बॉल पर 45 रन की पारी खेले थे। मोइन अली 5 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे, 6 बॉल पर 5 रन की पारी खेले, 12 बॉल पर 24 रन की पारी खेले थे, 10 बॉल पर 8 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। या अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जो लगातार 2 मैच में विकेट लेस रहे थे, अगला 2 मैच में या बॉलिंग नहीं किए थे और आखिरी मैच में या विकेट लेस रहे थे। सैम करन की बात करें तो 11 बॉल पर 6 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 6 रन की पारी खेले, अगला 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे और आखिरी मैच में 14 बॉल पर 33 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में 1 विकेट निकाले, अगला 2 मैच में 2 विकेट निकाले थे, अगला मैच में 5 विकेट निकाले और आखिरी मैच में या 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। क्रिस वॉक्स की बात करें तो पहला मैच में 1 विकेट निकाले थे, अगला मैच में 2 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे थे, फिर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में या बॉलिंग नहीं किए थे। आदिल रशीद की बात करें तो पहला मैच में 1 विकेट निकाले और आखिरी 4 मैच में या विकेट लेस रहे थे। मार्क वुड की बात करें तो पहला मैच में 3 विकेट निकाले, अगला मैच में 1 विकेट निकाले, फिर 3 विकेट निकाले, फिर 2 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में या विकेट लेस रहे थे। बैच प्लेयर की बात करें तो डेविड मलान है, क्रिस जॉर्डन है, डेविड विले है, रिचर्ड ग्लिसन है, टाइमल मिल्स है, ल्यूक वुड है, टीम डेफसन है। फाइनल टीम के अपडेट आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। टॉस एंड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। प्लेयर की बात करें तो विकेट कीपर से जॉस बटलर को रखें, बैट्समैन से विराट कोहली को रखें, सूर्य कुमार को रखें, एलेक्स हेल्स को रखें और लोकेश राहुल को रखें। ऑलराउंडर से हार्दिक पांड्या को रखें, बेन स्टॉक्स को रखें और सैम करन को रखें। बॉलिंग से मार्क वुड को रखें, अर्शदीप सिंह को रखें और भुवनेश्वर कुमार को रखें। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन सूर्य कुमार यादव है और वॉइस कैप्टन सैम करन है। टीम प्रीव्यू की बात करें तो कैप्टन सूर्य कुमार यादव है और वॉइस कैप्टन सैम करन है। यह फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, फाइनल टीम आफ्टर टॉस के बाद दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है।